अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है रीसेंट ट्रेड राउंड्स एंड पोजीशन ऑफ इंडिया। मतलब जो भी WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी सभी हमने यूरोगुए राउंड पढ़ा, तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो राउंड्स हैं वो हुए और इंडिया उनके अंदर उनकी पोजिशन कहाँ पे है। इंडिया वॉज अमंग द कंट्रीज दैट कंक्लूडेड द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इन 1948। कह रहे इंडिया उन कंट्रीज में था जिसने कहीं ना कहीं गैट को 1948 में ज्वाइन करने की बात की। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द दोज कंट्री दैट एस्टैब्लिश WTO इन 1925। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू गिव कंक्रीट शेप टू एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट दैट एमर्ज फ्रॉम गैट नेगोसिएशन। एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO आउट ऑफ 23 नेशन, इंडिया हैज बीन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लेस डेवलप्ड नेशन सिंस इंसेप्शन। वो कह रहे हैं कि देखो है क्या कि इंडिया जो है वो क्या है, फाउंडिंग मेंबर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि 1948 में जब राउंड हुए उस टाइम पे भी इंडिया था, और जब गैट WTO को बनाया गया एज अ सक्सेसर ऑफ गैट तब भी इंडिया ने उसको बनाया। तो इंडिया हैज बीन रिप्रेजेंटेटिंग इंटरेस्ट ऑफ लेस डेवलप्ड नेशंस सिंस इंसेप्शन। वो कह रहे हैं कि इंडिया हमेशा से कहीं ना कहीं जो लेस डेवलप्ड नेशन है उनके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजर कंसर्न्स रिलेट टू ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री, DFQF, मार्केट एक्सेस, के मतलब किसी भी तरीके से जो मार्केट्स है वो ड्यूटी फ्री होनी चाहिए, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। रूल्स ऑफ ऑरिजिन फॉर DFQF मार्केट एक्सेस, ठीक है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए उसके अंदर। LDC वेवर इन सर्विसेज, इश्यूज रिलेटिंग टू कॉटन, हाउएवर देयर वर डोमिनेंट एटीट्यूड ऑफ द कंट्री ऑन द प्लेटफॉर्म टिल लेट 80s ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। इवन ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ WTO इंडिया हैड अ रिफॉर्म्ड एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसी, स्टिल इट डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स। ठीक है, सो इंडिया वो क्या कह रहा है आपसे कि देखो मतलब काफी डोरमेंट कंट्रीज भी रही थी जो की बात नहीं मानती थी। तो कह रहा है अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो इंडिया जो है मतलब इतना एक्टिवली उतने ज्यादा मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पार्टिसिपेट नहीं करता है। एज पर करंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया 21 केसेस एज कंप्लेनेंट। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने 21 केसेस कंप्लेनेंट के तौर पे किए हैं, 22 केसेस एज रिस्पोंडेंट, और 22 में वो रिस्पोंडेंट है, एंड 91 केसेस एज थर्ड पार्टी इंटरेस्ट। और 91 थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी पढ़ा था ना कि या तो सिमिलर हमारा इंटरेस्ट जैसा कोई केस बन रहा है या फिर हम बस उस ट्रेड रिलेटेड मैटर में जानना चाह रहे हैं इस वजह से। ओके, सो मोस्ट ऑफ द केसेस हैव इन्वॉल्व US एंड यूरोपियन यूनियन। द लेटेस्ट केस अगेन इंडिया वाज पुट फॉर्ड बाय US रिलेटेड टू सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स अंडर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन फॉर कंसल्टेशन ऑन 6 फरवरी 2013। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैड बीन रिक्वेस्टेड सबसिक्वेंटली टू जॉइन द कंसल्टेशंस, राइट। अब हमें पहले दिया है सिएटल कॉन्फ्रेंस, द सिंगापुर 1996 एंड जिनेवा 1998 मीटिंग सॉ इंडिया एज अ स्पेक्टेटर विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट। ओके, कि सिंगापुर 1996 हो या जिनेवा 1998 हो, के जो इंडिया है उसने एक स्पेक्टेटर की तरह मीटिंग के बारे में बात की। इट फर्स्ट रेज वॉइस ड्यूरिंग सिएटल राउंड इन 1999। फॉलोइंग आर द मेन हाईलाइट्स, अब वो हम बात करेंगे सिएटल कॉन्फ्रेंस के अंदर मेन हाईलाइट्स क्या है। The comprehensive round concerned with issues like investment, transparency in governments, trade and labor standards, trade and environment, to name a few. India's main concerns were on agreements relating to anti-dumping, comma, subsidies, anti-dumping हमने पहले ही पढ़ रहा है, subsidies, comma, intellectual property, non-realization of benefits under the agreements treated to agriculture and textiles. The nation also took stand on behalf of developing nations and faced difficulties in relation to excessive investigations over trade competitive areas of these nations. Okay, major issue concerning the Seattle conference was over the incorporation of labor and environment standards in WTO. वो कह रहे हैं कि major जो Seattle conference में था वो किसके बारे में था, कि जो जो मतलब informal sector के अंदर जो labor वगैरह काम कर रहे होते हैं उनका incorporation वगैरह जो है वो चीज करना, right? नेक्स्ट दोहा कॉन्फ्रेंस। इन दिस फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ दोहा इन नवंबर 2001 द मेंबर्स साइंड अप दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। इट वाज एन अटेम्प्ट टू पुट डेवलपमेंट द हार्ट ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड टू क्रिएट फेयर सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस आर डिस्कस्ड हियर। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है वो देख लेते हैं। द फेलियर ऑफ द थर्ड मिनिस्ट्रियल conference and the excessive efforts of developed countries to impose restrictions made the new round the more important. वो कह रहे कि जो third ministerial conference हुआ, ठीक है, and the excessive efforts जो developed countries ने किया था, उसमें क्या क्या impose किया कि भाई क्या चीजों को, India opposed all such agendas which excluded trade related multilateral trading systems. तो क्या इंडिया ने सारे के सारे चीजों को क्या किया,
अपोज किया है, मतलब उन चीजों को जिसमें अगर आप मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम जो है उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उन सबको इंडिया ने क्या किया, अपोज किया। सुन जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, सो द कंसर्न्स वर प्रोएक्टिवली रेज्ड बाय इंडिया ऑन इश्यूज लाइक मार्केट एक्सेस इन एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, डोमेस्टिक सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रिप्स फॉर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड एक्सक्लूजन ऑफ नॉन ट्रेड इश्यूज लाइक लेबर इन एजेंडा। अ मेन फोकस वॉज ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज टू टैकल इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो क्या है कि देखो मेन जो है इवेंट के अंदर, जो मेन कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर डिस्कशन मेजरली किसके बारे में है, इश्यूज डिस्कस करने, किसके पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज हो या फिर फूड सिक्योरिटी का कोई मैटर हो, ठीक है, या फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, किसी तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में, इस बारे में। दिस रिक्वायर्स ग्रेटर मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट इन डेवलप्ड कंट्रीज। वो कह रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको एक ग्रेट मार्केट एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या दिया जाएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट दिए जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज, तो अगर वो ऐसा करती है तो। इंडिया इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट इंडस्ट्रियल टैरिफ्स, रिफॉर्म्स एंड टैरिफ स्ट्रक्चर शुड गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट to the underdeveloped countries as a large proportion of their population is dependent on unorganized industries। देखो इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल टैरिफ के ऊपर भी काफी बारे बात करते हैं। देखो सुन से आपको पता है इंडिया और एशिया की काफी सारी कंट्रीज और इनफैक्ट मिडल ईस्ट में भी कुछ पोर्शन और अफ्रीका में भी कुछ पोर्शन जो है अभी भी क्या है, अंडर डेवलप्ड है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे ना इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन में चलता है। इनफॉर्मलाइजेशन में चलने की वजह से वहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उनका पे स्केल बहुत कम होता है, ठीक है, और इसलिए हम इसके बारे में लगातार बात करते रहते हैं कि इन टैरिफ्स वगैरह को हटाया जाए ताकि उनके पे स्केल के बारे में भी कुछ सोचा जा सके। दिस दोहा एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इंडस्ट्रियल टैरिफ शुड बी रिड्यूस्ड ऑन लेस देन फुल रेसिप्रोसिटी बेसिस। वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल टैरिफ को कम करना चाहिए। इंडिया डिड make its presence felt as WTO chairman declared the Singapore round negotiations will only be held after the explicit consensus is reached the fifth conference. So ye diya gaya hame, theek hai, matlab hame sirf wo conferences bataye gaye hain jin conferences ke andar India ka kya kya role kiya hai, India ne kis kis cheezon ke bare mein baat kari hai. Next hai hamare paas Cancun conference. So what is Cancun conference? Negotiations on agriculture concerned with achievement of progressive reforms in global agricultural trade. सबसे पहला क्या किया गया है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो रिफॉर्म्स है उनके बारे में डिसीजन लेना। यूरोपियन कमीशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर एलिज्ड फॉर हैविंग सॉट स्पेशल मार्केट एक्सेस इन डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट ट्रेड डिस फॉर फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, अबॉलिशन ऑफ सब्सिडीज एंड ट्रेड डिस्टॉर्शंस वर ऑल्सो सॉट। वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन हो गया या यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इन सबके अंदर सब चीजों को देखना। Other major issues include non-agricultural market access, negotiations related to trade barriers, मतलब हमें ये देखना कि जो non-agricultural markets है उनके अंदर चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है, इसके अलावा जो आपके trade barriers है उनको देखना, services promotion through sector and more specific focus, trips and public health, so in matters को Cancun conference के अंदर क्या किया गया students, discussion जो है किया गया, right? Next हमारे को दिया है Hong Kong conference. The sixth ministerial conference was held in December 2005 at Hong Kong. The only major gain was that G20 gained recognition as a credible group in negotiations. Here, it was resolved to eliminate export subsidies in agriculture by 2013. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि export subsidies को खत्म करना चाहिए 2013 तक. It was agreed that all developed countries should provide duty-free and quota-free market access to products of the less developed countries on the lasting basis. जो कि main हमने पहले भी discussion किया था कि ये था कि developed countries तो भाई किसी भी country में जाके कैसे भी उन्होंने TRIPS के agreement के through अपना तो सारा का सारा काम कर, sorry TRIPS के through उन्होंने अपना तो सारा का सारा काम कर लिया, तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या, तो डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरीके से एनवायरमेंट क्रिएट करके देना कि तुम यहां पे आके जो भी ट्रेड जैसा भी ट्रेड करना चाहो तुम इजीली कर सकते हो, राइट। लास्ट में नेक्स्ट में दिया हुआ है जेनेवा कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन री इंजीनियरिंग दोहा, अ कमिटमेंट टू डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन न्यू डेली ड्यूरिंग 3-4 September 2009. Discussions began later that year in Geneva, but not much progress was achieved. Here,
147 WTO member countries spelled out the board principles to formulate new WTO rules for further negotiations, including India's demand for ending export subsidies ruled out by the rich countries. मतलब export subsidies को उन्होंने खत्म करने की, इंडिया ने बोला कि खत्म करो, क्योंकि export subsidies जब खत्म होंगी तभी तो दूसरी countries में सामान महंगे में और प्राइस कंपटीशन पे होगा, वरना तो सस्ते में सामान पहुंचेगा वो कंपटीशन करेंगे नहीं. अकॉर्डिंगली द यूएसए एंड द यूरोपियन यूनियन ब्रॉडली अग्रीड टू फेस आउट इन द टाइम बाउंड मैनर द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग अकाउंटिंग टू डॉलर 450 बिलियन 40 बिलियन एनुअली. दिस वुड हेल्प द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू ओपन अप वाइडर ग्लोबल मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्शंस. द डेवलप्ड कंट्रीज have also agreed in principle to provide for a binding special and differential treatment clause relating to tariff reduction in the underdeveloped countries. Now the underdeveloped countries will be able to pursue agricultural policies that are supportive of their development goals, poverty reduction strategies, food security and livelihood concern. It will also provide them a special safeguard mechanism against likely import surges. So this is your Geneva conference. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, देखो पहले हमने पढ़ा जिनेवा कॉन्फ्रेंस कौन सा 2009, फिर हम बात कर रहे हैं ये इसके रिजल्ट्स हैं वो आप इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जिनेवा कॉन्फ्रेंस 2011 में हुआ, इसमें क्या हुआ, द नेशन हैज सपोर्टेड द अर्जेंट प्रोविजन ऑफ एलडीसी पैकेज एट 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लीज डेवलप कंट्रीज जिनेवा. डेवलप कंट्रीज मेंबर्स हैव बीन पुशिंग अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर्स टू कमिट टू इश्यूज लाइक अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो किए उसको हटाओ एंड इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट चेंज एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करना. ड्यूरिंग द 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जिनेवा इन 2011 इंडिया वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिविजन्स ऑफ ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन ट्रेड नेगोसिएशन एंड प्रपोज्ड इनपुट्स रिलेटेड टू कस्टम्स कॉर्पोरेशन रैपिड अलर्ट सिस्टम कस्टम्स यूनियन एंड अपील मैकेनिज्म. India, along with other developing countries, adopted a resilient outlook towards the procedural benchmark put forth by developed nations. Later in November 2012, 46 developing countries, including India, forwarded a proposal on food security in the WTO. Another progress took place in relation to information technology, where expansion was sought in the information technology agreement for including more products in zero custom duty category and inclusion of new signatories apart from existing developed nations like USA, European Union and Japan. Tariff reduction had also been sought and India is examining this proposal. Means mainly iske andar kiske bare mein baat ki gayi ki कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी 46 कंट्री इंडिया के साथ में इन्होंने किस बारे में वो दिया फूड सिक्योरिटी के बारे में कि फूड सिक्योरिटी को एक मेजर कंसर्न बनाया जाए. अनदर प्रोग्रेस हुआ वो किसके केस में हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में कि वहां पे भी ड्यूटी फ्री किया जाए ताकि दूसरे देशों में दूसरी कंट्रीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके राइट. नेक्स्ट है बाली कॉन्फ्रेंस 2013. The developed countries which advocate free trade have been arguing for elimination of subsidies on the commodities in which they have comparative advantage. But they are quite reluctant to open up their own markets so as to eliminate subsidies on agricultural products and textile in which developing countries like India and African countries have a comparative advantage. Okay, okay. Bali conference mein kya hua? The developed countries which advocate free trade have been arguing for elimination of subsidies on the commodities in which they have comparative advantage. Wo to dekho karenge kyunki unko pata hai ki agar bhai apne desh se log utha ke subsidies denge to hamare ko dikkat aayegi. But they are quite reluctant to open up their markets so as to eliminate subsidies. Wo keh rahe the lekin jo अपने मार्केट है उसको वो ओपन नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनको पता था कि भाई जो दूसरे कंट्रीज है उनके पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनके अंदर क्या है बढ़िया उनके पास एडवांटेज है तो ये बहुत चालू हो रहे थे मतलब उस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज. सो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट एनी डील एट 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO इन बाली डिसंबर 3, 2013 दैट डज नॉट प्रोटेक्ट इट्स राइट टू ऑफर सब्सिडाइज फूड. वो कह रहे हैं लेकिन इंडिया ने किसी तरह के डील के ऊपर किसी भी तरह के एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया कि मैं किसी भी तरीके से सब्सिडी ऑफर नहीं करना चाहता क्योंकि उनको मेन मोटिव ये था कि अगर हमने किसी भी तरीके से इन चीजों को ऑफर किया तो हम फंस जाएंगे. So in view of this decision, India would only sign the proposed trade facilitation agreement TFA if demand on food security is met. Apart from insisting on permanent solution, G33 also wanted to the food security.
एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी डिस्प्यूट एट द डब्ल्यूटीओ फॉर वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स. ये वॉन्ट्स टू बी डिसाइडेड कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला ऑन फूड सिक्योरिटी दैट विल प्रोटेक्ट कंट्रीज सच एज इंडिया फ्रॉम फेसिंग पेनल्टीज इफ दे ब्रीच द सब्सिडी कैप. ऑफकोर्स अ न्यू एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन टू ईज फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू कस्टम्स पोस्ट एट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इंडिया विलिंग टू एक्सेप्ट देम. ओके सो ये मेनली हमें क्या दिया हुआ है, ये एक मतलब बहुत बड़े आप कह सकते हो, देखो यहाँ लिखा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर उस टाइम के थे तो आनंद शर्मा, ये उनके मतलब उनके बारे में दिया गया कि भाई इंडिया क्या चाहता था उस टाइम पे, इंडिया ने क्या नहीं किया. व्हाट डेवलप्ड कंट्रीज वांटेड, देखो व्हाट्स टू बी डिसाइडेड क्या होना था, और डेवलप्ड कंट्री क्या चाहते थे, गो स्लो ऑन दोहा राउंड, गेट न्यू इश्यूज सच एज लिंक बिटवीन ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, करेंसी ऑन द टेबल, इंडिया अपोज टू प्लान. India will ensure that our national interests, including those of our subsistence farmers and the poor and vulnerable sections of our society, are fully protected. What India wants post Bali ke baad India kya chahta tha, get Doha round back on track with negotiations on reducing farm subsidies by the West while giving more visas to service professionals. In return, it is willing to cut import duty on agriculture industrial goods. So this was the thing which was decided. Aage mein dekho kya de rakha hai. WTO ultimately hammered out historic deal on December 7, 2013. This landmark agreement can help boost global trade by almost $960 billion. It has taken on board the concerns of countries like India to protect its food security scheme to provide subsidized grains to the poor. कह रहे कि उसने बहुत सारे concerns जो थे developing countries के उसको सुना कि उसको ऐसी schemes को चलाने दिया जाए जिससे कि वो अपने गरीब लोगों को subsidized food दे सके. Ministers from 159 countries approved the Bali package. तो इस चीज को approve भी किया गया. India with its tough and unrelenting attitude secured a major victory in the revival and re-energizing the Doha round of talks. India ने जो अपना stand लिया, मतलब एकदम वो बिल्कुल depth वाला जो stand लिया, उस stand की वजह से India ने क्या किया? India कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा capable हो पाया किस चीज़ के लिए कि जो Doha round है उसके अंदर जो decision है उनको change करा सके. It will now allow countries to provide subsidy on staple food crops without any threat of punitive action. अब वो क्या कर पा रहा है, वो अब पूरी तरीके से अलाउ करने के जो अपनी कंट्री के जो लोग है गरीब उनको स्टेपल फूड जो है वो सब्सिडी पे दे सके. कंट्रीज लाइक इंडिया वुड बी अलाउड टू फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, फॉर फार्म प्रोड्यूस एंड ऑल्सो टू सेल स्टेपल ग्रेन्स टू पुअर एट सब्सिडाइज रेट. इंडिया को अलाउ किया गया कि एमएसपी में आप सामान बेच सकते हैं और स्टेपल ग्रेन्स जो है उनको सब्सिडाइज रेट पे दे सकते हैं. It was also agreed to permit countries to store food grains to meet the contingency. कह रहे इस बात पे भी agree किया गया कि जो countries हैं उसमें food को store किया जा सकता है, contingency कोई भी होगी तो देखा जा सकता है. This first major agreement in WTO's 18-year history will keep alive the possibility of a broader agreement to create a level playing field for rich and poor countries. वो कह रहे कि जो ये major agreement हुआ WTO में 18 साल में पहली बार, इसने बताया कि मतलब अगर कभी भी कोई भी country stand लेगी, so they can take change the things. This was the result of 4 days of marathon negotiation. It has breathed life into the stalled Doha round of negotiations. The giant deal, which will help in creating 21 million jobs, 18 million of them in developing countries. It will lead to easier custom rules and cutting red tape in borders. The pact will help speed up clearance at ports, airports, and reduce transportation costs. Now, Indian exports will be able to deal easily with tough rules in Europe and US. Further, the trust will return to multilateral system, reducing rush for FTAs. Right, student. Next, अगर हम बात करते हैं current position की क्या है? So, the government of India has been sticking to its stand. It continues to feel that a trade facilitation agreement at the World Trade Organization is not possible without its concern on food security being addressed properly so as to make the multilateral system more balanced for the poor nation. वो कह रहे कि इंडिया को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हम किसी भी तरीके से फूड सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर के आना चाहते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से उनको सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, मल्टीलेयर सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी एक पुअर नेशन के लिए जो WTO जो है वो बैलेंस डिसीजन ले पाएगा. ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मर्स इन इंडिया बाय एक्सेप्टिंग लिमिटेशंस ऑन द फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम.
कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मर। गवर्नमेंट किसी भी हाल में मतलब ऐसे किसी भी सिक्योरिटी प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनना चाहेगी जिससे कि जो बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों जो फार्मर्स हैं वो भूखे मरने लग जाए। एक्चुअली द रश बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू फोकस ओनली एक्चुअली द रश बाय द फोकस बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू फोकस ओनली ऑन द इश्यूज ऑफ देयर कंसर्न वॉज नॉट इन द लाइन विद दोहा स्पिरिट। उनको ये था कि भाई उनका नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास सस्ता सामान जाएगा तो उनको दिक्कत होगी। अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन अग्रीड एट द बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन दिसंबर 2013, WTO मेंबर्स इंक्लूडिंग चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान वो कीन टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बाय July 3, 2014। हाउएवर द डेवलप्ड कंट्रीज लेड बाय द US वर रिलक्टेंट, arguing that trade ministers had agreed in Indonesia to find a permanent solution to the food security problem by 2017. Because of this tough stand, India feared losing the interim protection available to its food security program. So, वो कह रहे कि देखो, India ने भाई like मतलब एक tough stand लिया तो इसकी वजह से India इतना सब चीजों को जो है वो कर पाया. As per the peace clause reached in Bali, no country can take action against the other till a lasting solution is formed up. मतलब जब तक कोई solution नहीं आया, कोई agreement, मतलब कोई action नहीं लिया जा सकता. That is why India suggested that the whole package and not just trade facilitation be negotiated by December 31, 2014. The failure of the WTO to reach meaningful progress on its ongoing round of negotiation encouraged leading trading partners to strike deals and treaties outside the multilateral framework. On account of strong standby Nirmala Sitharaman, jo hamari current abhi finance minister hai, commerce and industry from possible collapse, the US India agreed for the implementation of key elements of the package. This breakthrough provides a significant step to get the full implementation of the Bali package and the multilateral trading system. Thus, India and US have paved the way for revival of stalled global trade and talks and implementation of a pact for easier custom rules by resolving the difference on the issue of public stock holding for food security. WTO members agreed to the first global trade deal in its 20-year history by endorsing a move to rule out easier custom rules while giving flexibility to developing countries such as India to pay minimum support price to the farmers without worrying about breaching the prescribed ceiling. ओके, सो अगर हम बात करेंगे डेडलॉक्स की, तो डेडलॉक्स हमें क्या दिए हुए हैं, मतलब ये बस हमें ये दिया गया व्हाट्स बीइंग नेगोशिएटेड एट WTO. सो दोहा राउंड में क्या किया गया कि मतलब जो लॉन्च नेगोशिएशन है वो दिए जाएंगे एग्रीकल्चर. यूएस एंड यू वर टू रिड्यूस सब्सिडीज इन रिटर्न फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी कट्स. मतलब जो यूएस और ईयू है वो क्या करेंगे, सब्सिडी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और इंपोर्ट ड्यूटी कट्स किए जाएंगे. इंडस्ट्रियल गुड, डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटी. डेवलपिंग कंट्री कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करेंगी व्हाइल द डेवलप्ड वर्ल्ड वाज टू स्लैश ड्यूटीज ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स. उनको कुछ सर्टेन प्रोडक्ट पे ड्यूटीज को कम करना पड़ेगा. सर्विसेज, इन रिटर्न फॉर कटिंग टैरिफ्स ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अलाउंग FDI, कंट्रीज सच एज इंडिया हैड होप टू गेट इजियर वीजा रूल्स. मतलब क्योंकि अब आप जब इस तरीके से कर रहे हो तो वीजा रूल्स थोड़े आसान होंगे. डेवलपमेंट इश्यूज, poor and developing countries wanted some of the problems relating to existing WTO agreements sorted out. What happened in Bali? Over the years, WTO realized that no one was willing to concede any ground and had in fact begun to focus on free trade agreements to boost exports. So in Bali, members agreed to settle for smaller agenda to rebuild confidence in the multilateral trade body. There will only three sets of issues on the table. So ye aap keh sakte ho deadlocks hain jo cheezon ko matlab नेगोशिएट WTO में किया गया, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें देख रखी है स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट इज ऑल विद द चैप्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग कैसी थी, कैसे वो काम करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या है, इंडिया ने जो भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज हुए उन कॉन्फ्रेंसेज के अंदर इंडिया के क्या रोल्स है, इंडिया ने क्या ड्यूटीज को फॉर्म किया, ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक हमारा जो पोर्शन है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. देखो स्टूडेंट्स, सिलेबस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. एज सून एज पॉसिबल आप साथ 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 इनको कंप्लीट करें सो दैट कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद वी कैन एक्चुअली लुक अपॉन द क्वेश्चंस एज वेल. क्योंकि अभी हमने 10 ईयर्स नहीं किया है तो अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं. कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने के बाद हमें इमीडिएटली किस पे शिफ्ट होना होगा, हमें कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस पे शिफ्ट होना है. तो इन्हें ढंग से रिवाइज कर लें. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Bye students, take care.